आजादी को चले बिहाने, दीवानों के तौलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी के डोलियां। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। हाय गाइज, वेलकम टू अशोका इंग्लिश स्टडी। गाइज, आई टेल यू हाउ टू मेक सम क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, तो इसमें देखें, होम फैमिली का है, जो होम से ही पांच जो देख रहे हैं, पांचों यहाँ पे फाइव है, तो हम इसको बताते हैं। होम मतलब किसे, विद होम मतलब किसके साथ, बाय होम मतलब किसके द्वारा, अबाउट होम मतलब किसके बारे, और फॉर होम मतलब किसके लिए, और टू होम मतलब किसे। दोस्तों ये हम आगे पूरे डिटेल डिस्कस करते हैं, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे देखते कैसे प्रश्न आपको बनाना है, इसी में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। चलिए देखते हैं, विद होम, विद होम का मतलब होता है किसके साथ। तो प्रश्न कैसे प्रश्न उठाना है, प्रश्न कैसे करना है, विद होम डू यू गो टू ट्यूशन। तो यहाँ हिंदी की बात करेंगे तो आप किसके साथ ट्यूशन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद होम डू यू रीड इन ट्यूशन, आप ट्यूशन में किसके साथ पढ़ते हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं, आई रीड इन ट्यूशन विथ माई फ्रेंड, जो भी अपना दे देना। विद हुम डज ही टॉक इन कॉलेज, वह कॉलेज में किसके साथ बात करता है। विद हुम डज राम लर्न इंग्लिश, राम इंग्लिश किसके साथ सीखता है। इस तरीके से आप प्रश्न बनाते हैं, और इस तरीके से स्पोकन का बेस जो है, आधार यहीं से स्टार्ट होता है प्रश्न, और प्रश्न से उत्तर खुद ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाला, जिसमें बाय हुम का यूज करेंगे। ठीक है, बाय हुम से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा। ठीक है, तो बाय हुम डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी किसके द्वारा सीखते हैं। फिर बाय हुम डू यू रीड इन इंग्लिश, यहाँ आगे ट्यूशन में मतलब आप जो है ट्यूशन में किसके द्वारा पढ़ते हैं। थ्री वाला थोड़ा फॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फॉर बाय हुम डज राम लर्न इंग्लिश, राम अंग्रेजी किसके द्वारा सीखता है। इस तरीके से आप प्रश्न बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो गाइज, अगर न्यू व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको सारे कुछ बताते चलेंगे और आप सीखते चलेंगे। अगर आप मतलब बेसिक से भागना मत, यहाँ सारे कुछ आपको बताया जाएगा बेसिक से, ताकि हर इंग्लिश से जो भागते हैं ना, वहाँ भागना नहीं है, यहाँ सभी को आना, जो नहीं भी जानते वो भी सीखेंगे, सब कोई सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अबाउट हुम। ठीक है, किसके बारे, अबाउट हुम डू यू टॉक, इसका हिंदी बात करें तो आप किसके बारे में बात करते हैं। अबाउट होम डू यू थिंक, आप किसके बारे सोचते हैं। अबाउट होम डज ही डिस्कस, वह किसके बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बातचीत वार्तालाप किसके बारे करते हैं। अबाउट होम डज राम वॉन्ट टू लर्न, सॉरी वॉन्ट टू नाउ, राम जो है किसके बारे जानना चाहता है। दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आप बनाएंगे और सीखेंगे, बेसिक से ही चालू। तो इसको आंसर आराम से दे सकते हैं, पहला का अबाउट हुम डू यू टॉक, किसके बारे में बात करते हैं, तो आप लिए बोल सकते हैं आई टॉक अबाउट समथिंग, समथिंग लाइक कुछ भी, आपको मैटर आपके पास है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर हुम, किसके लिए। ठीक है, फॉर हुम डू यू डू मतलब डू यू लर्न मनी, सॉरी यर्न मनी। ठीक है, हम लोग जो पैसा किसके लिए कमाते हैं, अब तो जानती है प्रश्न ऐसे बनाना है। फॉर हुम डज, डज यहाँ नहीं होगा गाइज, डू होगा। यू वॉन्ट टू डाई, आप किसके लिए मरना चाहते हैं। इस तरीके से फॉर हुम ही इज सो हैप्पी, वह इतना खुश किसके लिए है। इस तरीके से फॉर हुम डज राम वॉन्ट टू लर्न वॉन्ट टू यर्न मनी, राम जो है किसके लिए पैसा कमाना चाहता है।
तो इस तरीके से आप प्रश्न बना सकते हैं, और प्रश्न बनाने के बाद आपको क्वेश्चन अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक है दोस्तों, नए भी हो रहे तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर भी कर दे इस चैनल को, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक